हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं साइबर हब जो कि गुड़गांव में है। सो बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे वहाँ पे जाने का, तो आज फाइनली हमें टाइम मिला कि वहाँ पे हम जाएं। वहाँ पे बहुत सारे खाने के आउटलेट्स हैं, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी है कि आप कोई से भी आउटलेट चूज करके वहाँ आराम से बैठ के खा सकते हो। बहुत दिनों से मन कर रहा था टाको बेल जाने के लिए, फाइनली हम जा रहे हैं। इसलिए मुझे तो वैसे इन जनरल मुझे टाको बेल इतना पसंद नहीं है, बट इस मैडम को पसंद है तो हम जा रहे हैं, देखते हैं। मतलब बहुत दिन हो गए टाको बेल नहीं खाया, और हमेशा मतलब अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए क्योंकि एक चीज़ खा के भी बोर से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज बाहर जा रहे हैं तो कुछ अलग भी खा के देख लेते हैं। सो अभी मैं मैप में चेक करती हूँ कि मतलब हम कहाँ हैं। मे बी हम 10 to 15 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और हमारे घर से मेरे ख्याल से कितना दूर है ये? 20 मिनट। अगर ट्रैफिक ना मिले तो, ट्रैफिक मिलेगा तो 1 घंटा भी लगता था। सो हमने काफ़ी दिनों से प्लान कर रखा था कि सैटरडे को हम बाहर जाएंगे, पर कल रात को तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, तो मेरे को लगा माइट भी प्लान कैंसिल ना हो जाए। बट होपफुली आज यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, कोई बारिश नहीं हुई, सुबह बारिश रुक चुकी थी, मे बी शाम को हो सकती है। मुझे लगा तो ट्रैफिक मिलेगा, बट कंपैरेटिवली सैटरडे के हिसाब से ट्रैफिक ठीक है। सो गाइस, हम आपको डायरेक्टली साइबर हब जाके मिलते हैं। सो गाइस, हम फाइनली साइबर सिटी पहुंच गए हैं, और अब हमें अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। यहाँ की पार्किंग में हमेशा पार्किंग में हमेशा स्पेस तो मिल जाता है, बट ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है, और हमने गलत कट ले लिया है तो हमें आगे से बाहर घूम के आना पड़ेगा। और इसकी एकदम रोड इतनी अनोइंग थी ना, बाहर वो ब्रेकर आ रहे हैं तो मैं उससे पूरी गाड़ी हिल रही है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है वो। हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर के नाम पे इतनी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, मतलब हर थोड़े आगे उन्होंने स्पीड लिमिट डाली हुई है कि ये स्पीड लिमिट है। अगर स्पीड लिमिट लिखी हुई है तो वो ब्रेकर क्यों लगा रखे हैं बार बार, बहुत ज़्यादा अनोइंग था वो। दोबारा तो नहीं आएगा ना वो? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं हम कितने चक्कर में पहुंचते हैं। देखो पहले हमारा बंजारा मार्केट जाने का प्लान था जो कि इसके पास ही है, बट हम कैश लाना भूल गए, वहाँ पे सिर्फ कैश ही चलता है। सो हमने चेंज इन प्लान कर लिया, और अब हम डायरेक्टली साइबर अभी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बिना कैश के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे कोई मतलब पेटीएम गूगल पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आसपास कोई एटीएम शो भी नहीं कर रहा था, तो हमने इसलिए वो प्लान कैंसिल ही कर दिया। फाइनली हमने आगे से यूटर्न लेना है, देन उसके बाद शायद कोई अंडरपाथ मिलेगा, देन हम यूटर्न लेके बैक साइड पे आएंगे, तब जाके हमें पार्किंग मिली। वो स्ट्रेट शायद बारिश स्टार्ट हो गई, हमने गलत टर्न ले लिया था, इसलिए हमें दोबारा से पूरा घूम के आना पड़ रहा है, और बीच में कोई कट भी नहीं, हम शॉर्टकट ले लें। ये फिर से वो गंदे से ब्रेकर आ गए हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, ये ब्रेकर की आवाज़ है, बहुत अनोइंग है। ब्रेकर हेलो, बाकी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है,
आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जाना चाहता हूँ। जनता जाना चाहती है, जनता जाना चाहती है। देखते हैं आज 75 खाने को मिल जाए तो, वरना तो इसके हिसाब से तो हम टाको मिल जा रहे हैं, जो कि मुझे कट है ये जो इसने बोला है वो कट है। अभी हम टाको बेल जाएंगे और वहीं का खाना खाएंगे। सो गाइस, हम फाइनली डीएलएफ पहुंच चुके हैं, उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे हमें ये जगह मिली है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे पहले कुछ फोटोज क्लिक करवा लें। इस तरह से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं हम व्लॉग में। सो हम यहाँ पे पहले थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं। ये तो खिंचवाएगा नहीं अपनी फ़ोटो, मैं ही खिंचवा लेती हूँ। चलो लेट्स टेक सम पिक्चर्स। तो गाइस, हमारी जो मॉडल है वो रेडी हो गई है हमेशा की तरह फोटो खिंचवाने के लिए, तो हम शूट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे ना काफ़ी अंदर आ चुके हैं, हमने पार्किंग पहले ही कर दी थी, पर हमें यहाँ की ना एंट्री नहीं मिल रही कि एंट्री कहाँ पे है। सब जगह से इन्होंने एंट्री बंद कर रखी है, तो अभी तक हम वो ही ढूंढ रहे हैं। मी एंड माई चंपू हेयर, सो हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ से अंदर जाना है। मैंने इस साइड से कभी एंट्री नहीं की, वो समझ नहीं आ रहा अभी हम कौन सी साइड से एंट्री की है। ये तो रहा सामने की तरह, इधर फूड कोर्ट है आगे देखें। अच्छा, सो अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि टाको बेल कहाँ पर है। मेरे ख्याल से यही साइड में है। मेरे को तो बहुत स्वेटिंग भी होने लगी यहाँ पे। पहुंच गए साइबर हब पे, तो अब यहाँ देखते हैं टाको बेल में भी ना हो तो हम डायरेक्ट जाके खाना ट्रक करें, भूख लग रही है बहुत। हमने फाइनली लंच कर लिया है, हमारा पेट जो है दोनों का वो बहुत भर गया है राइट। और यहाँ पे टाको बेल में मैंने एक टाको खाया था, फीस्टा चिकन टैको करके उसका नाम था, वो काफ़ी टेस्टी था। तो अगर आप टाको बेल जाओ तो वो वाला टैको ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी यम्मी था। लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो मिनी सो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी ओपन है, तो लेट्स गो। गाइस, वी वेंट टू मिनीसो, तो वहाँ पे ना हमें कुछ अदर चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद ना मीसो में कोई नया स्टॉक आ ही नहीं रहा है, हर ज़्यादा स्टोर में एक ही चीज़ अवेलेबल होती है, कुछ नया दिखता ही नहीं है। सो हमें याद आया यहाँ पे डीकैथलॉन भी है, तो एक बार वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे स्टफ काफ़ी अच्छा होता है। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी डीकैथलॉन, वहाँ पर देखते हैं। गाइस, वी शॉप्ड अ लिटिल फ्रॉम द डीकैथलॉन, हमने एक ये बैग परचेज किया है और एक वाटर बॉटल, बाकी ज़्यादा तो हम स्पोर्ट्स में रहते नहीं है तो चीज़ें नहीं खरीदी। सो गाइस, आप बताओ कि आप अपने वीकेंड में क्या करना प्रेफर करते हो। हमारे पास तो सिर्फ एक दिन होता है बाहर ब्लॉग करने का,
मतलब एक ही वीकेंड मिलता है उसमें हम व्लॉग बना रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होते हैं, बाकी दिन इसका ऑफिस होता है और मैं अभी अपना बिजी रहती हूँ तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो ये पता नहीं क्या कर रहा है, डोनट खाएगा कि मुझे नहीं लगता कि बाहर बैठने का कोई फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये जा रही है थकी हुई तो डोनट खाने का इतना ज़्यादा शौक है ना। तो गाइस इसका मूड बदल चुका है, अब इसको मैकडी की आइसक्रीम खानी है। इसने कहा कि बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है, मुझे बैठ के खाना है, तो इससे मैकडी जाना है और फिर वहाँ पर मैकडी की आइसक्रीम खानी है। तो लेट्स गो, वहाँ पर ऊपर फूड कोर्ट है तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस एक और मूड स्विंग से मैं गुजर रहा हूँ, अब इसने दोबारा मूड बदल लिया है और अब ये कह रही है कि यहाँ पर ये जो ट्रॉली खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका, मुई, हम इसके पास जा रहे हैं और यहाँ से आइसक्रीम खाने वाले हैं और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि आइसक्रीम, इससे पूछ लियो पहले पेटीएम या गूगल पे होगा कि नहीं। दिस इज़ द आइसक्रीम स्टॉल, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या खाएंगे। मैडम कौन सा अगर आया तूने, रेड वेलवेट। ओके, जिसने ये गाइस ये जो रेड वेलवेट है जो आपको दिख रही होगी सोनी सोनी, इस तरह की इसने आइसक्रीम बनवाई है और अब वो बना रहे हैं। यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है, हमें डस्टबिन नहीं मिल रहा था बड़ी मुश्किल से इस लड़की को डस्टबिन मिला है, वरना वो स्टिक लेके घूमती जा रही थी इधर से उधर। सो गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी होम। कि बाहर बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो गया था तो मेरे को बिल्कुल ही बस नहीं हो रहा था कि मैं थोड़ा देर भी बाहर बैठ जाऊँ। आप अपनी हालत से देख सकते हो कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बाकी इसको जल्दी घर भी जाना है सो तो हम अभी निकल गए, तो मैं 6 बजे से घर पहुँचना है। यहाँ से घर जाने में भी अप्रॉक्स 1 आवर के, मतलब अगर रोड खाली होती तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, वरना 1 आवर लगेगा ही है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपके पास भी कोई रिकमेंडेशन है कि हम कहाँ का ब्लॉग करें तो आप प्लीज़ कमेंट्स डाउन करके बताओ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है आप उसको भी टर्न ऑन कर देना। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।